भाई स्वागत है आप सभी का यू सैनिक के चैनल पर। आज हम स्कॉर्पियो के पांच ऐसे पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे जो मुझे इस गाड़ी के लगते हैं। सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, इस गाड़ी की लुक्स। ये आप देख सकते हैं, इस गाड़ी का आपको टोल बॉय डिज़ाइन देखने को मिलेगा जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, और इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। गाड़ी की काफ़ी अच्छी लुक्स आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड की बात करें तो वो है इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। इस गाड़ी में आपको बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और उसके साथ साथ आपको रियर व्हील ड्राइव देखने को मिल जाएगी ये गाड़ी, तो जिसकी वजह से ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। इसके सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉजिटिव की बात करें तो इसका इंजन, इसमें आपको खूब पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा 2200 cc का, जिसका लो एंड टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है सिटी में, तो चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ेदार फील होगा सिटी में इसकी वजह से। और हाईवे की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है आपका। काफ़ी पावरफुल गाड़ी है स्कॉर्पियो, ये हम ज़रूर से कह सकते हैं। चौथे पॉजिटिव की बात करें तो वो लगती है मुझे इस गाड़ी की सिटिंग पोजीशन। ये आप देख सकते हैं, मैं गाड़ी के अंदर बैठ के दिखा भी दूंगा। ये आई लेवल पे कैमरा है और आप देख सकते हैं बोनेट मुझे क्लियरली विजिबल है एज टू एज, जिसकी वजह से भी इस गाड़ी को कई लोग खरीद लेते सिर्फ इसकी सिटिंग पोजीशन की वजह से। बिल्कुल आपको कमांडिंग पोजीशन देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं आपको सारा बोनेट विजिबल है। फिफ्थ पॉजिटिव की बात करें तो वो इस गाड़ी का मेंटेनेंस। आपकी स्कॉर्पियो की मेंटेनेंस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम पैसों में आपकी हो जाती है। इस गाड़ी का रखरखाव भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को आप ज़रूर से ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये थे इस गाड़ी के कुछ ऐसे पाँच पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे इस गाड़ी के लगते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।